कांदिवली पूर्व भाजपा विधायक अतुल भातखड़कर के नेतृत्व में कोंकणवासियों के लिए बस की मुफ्त सौगात दी गई। दरअसल यह सौगात इसलिए मुफ्त है कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद विधायक अतुल भातखड़कर ने मुंबई से कोंकण जाने वालों के लिए अल्प किराए में यह बस की सुविधा मुहैया कराई है। दरअसल एक नहीं बल्कि 15 एसटी बसेस को मुंबई से कोंकण के लिए रवाना करते हुए विधायक अतुल भातखड़कर ने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा अतुल भातखड़कर ने, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रमाला सुरुवात पासून आज हे 6वा वर्ष आहे साहेब। जितेंद्र पाटील या कार्यक्रम अध्यक्ष राणे सर्वांचे एक पूर्ण 15 दिवस साहेब रोज 2 तास बसायचे, तिकीट वाटप, तिकीट वरिष्ठ नागरिकांना पुढे, महिलांना पुढे, असं जोरदार यांनी मेहनत केलं। जोरदार ताळ्या बोला गणपती बाप्पा, बंगाल मूर्ती। मी जास्त टाइम घेत नाही, मी नेताजींना विनंती करतो, मेरी आहे सर्व गोरगरीब आमच्या बरोबर असतो। तर पहिला लिस्ट आमदार अभ्यासू आमदार महाराष्ट्र, आणि आज जे 2 वर्षांमध्ये कोरोनामध्ये आपल्याला गणपतीसाठी कोकणला जायला मिळत नव्हते, पण कारण पूर्ण जगामध्ये एक क्रमांकावर आपला पुष्कर जो आहे आपल्या ग्रामाने त्याच्या चरणी बोल। कोरोना काल के करीब 2 साल बाद एक बार फिर से मुंबई महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र का जो उत्सव गणपति उत्सव होता है, कोंकण में बेहद तरीके से और भव्य तरीके से मनाया जाता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कांदिवली विधानसभा के द्वारा आज मुंबई के कांदिवली से 15 बसेस एसटी की बसेस छोड़ी जा रही है, जहाँ तमाम गणेश भक्तों के लिए एक राहत दी जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा हजारों बसेस ऐसे गणेश भक्तों के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ और अन्य इलाके में छोड़ी जा रही है, लेकिन मुंबई के कांदिवली से विधायक अतुल भातखड़कर के नेतृत्व में 15 बसेस यहां से छोड़ी जा रही है। तस्वीरें दिखाएंगे कि मुंबई कांदिवली का इलाका है, जहां तमाम गणेश भक्त कोंकण जाने के लिए इस बस का उपयोग करेंगे, और खासकर महाराष्ट्र के स्थानीय विधायक अतुल भातखड़कर के नेतृत्व में जाने वाली इस बसेस में सफर करेंगे। खास बात यह है कि इस सफर के दौरान जो किराए 1200-1500 लगते थे, वह किराए मात्र 200 रुपए देने होंगे, यानी अल्प किराए में विधायक द्वारा इस तरह की व्यवस्था, जहां तमाम गणेश भक्त जो है अपने गांव जाएंगे और वहां लगातार पूजा पाठ करेंगे। सर कहां जा रहे हैं आप, किस तरह की व्यवस्था विधायक जी ने? एकदम बहुत बढ़िया है। इस बार कैसा जोर देखा जा रहा है? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप राजापुर कैसा लग रहा है? अच्छा है, गणपति के लिए हम लोग जा रहा है, सुविधा है, वो हम लोग का अतुल भास्कर ने यह किया है, हम लोग का बहुत अच्छा है। वो कोई सर एरिया में अपना आमदार है, मैं हर दिन हर बरस में जाता है, कितने साल से हर बरस में जाता है। वो कह टाइम नहीं कहे कोरोना है इसीलिए वो बंद हुआ, अगले टाइम किया था वो भी अच्छा किया था, सुविधा किया था सब भक्तों के लिए, सब अपना कोकण सेवे के लिए आभार है उनका, धन्यवाद। बिल्कुल देख पा रहे हैं कि मुंबई कांदिवली से राजापुर का जो सफर है वो 8 घंटे का है, इसलिए तमाम जो लोग हैं यहाँ तैयारी हो रही है। खासकर विधायक दिखाएंगे कि विधायक जी जो है अब थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाएंगे इन बसेस को, और यहाँ से बस जो है अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो जाएगी। फिलहाल देख पा रहे हैं कि विधायक जी ने अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए तैयारी में है। बिल्कुल अब थोड़ी देर बाद इस बस को जो है हरी झंडी दे दी जाएगी, बस यहाँ से अब निकलने वाली है। हालांकि वो बस है वो कंकौली के लिए निकलने वाली है, तो तमाम जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय विधायक अतुल भातखड़कर द्वारा दी गई है, इसमें आम जनता तो खुश है,
खासकर जो कोंकण के रहवासी हैं उनके लिए बेहद सुविधा भारतीय जनता पार्टी और कांदिवली विधानसभा के विधायक अब्दुल वाकल के द्वारा की गई है। खासकर हमने कई महिलाओं से इस समय बात भी किया है तो महिलाओं का सीधे तौर पर कहना है कि कोरोना काल के बाद से जिस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी ऐसे में उनके गाँव जाने की जो सुविधा विधायक द्वारा की गई वो बेहद सराहनीय है। ऐसे सराहनीय कदम के लिए उन्होंने विधायक जी को भी धन्यवाद कहा है। खासकर विधायक द्वारा कहा जा रहा है गणपति उत्सव इस बार और जोर शोर से मनाया जाए आमच्यासाठी तुम्ही खास गाड्या सोडलेल्या आहेत पब्लिकसाठी त्याच्यासाठी तुमच्यासाठी मी खूप आभार मानते बस एवढंच विनंती करते। गणपती बाप्पा बोलया। मॅडम तुम्ही काय बोलणार? आमच्यासाठी भरपूर त्यांनी हे केलंय अतुल भटकर भाऊंनी त्यामुळे आम्ही त्यांना ह्यावर्षी आम्हाला गाडी गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गाड्या सोडलात ना आमच्यासाठी हे खूप चांगलं आहे आणि हे पब्लिकसाठी आम्ही नाही सोडलं ते अतुलजीने सोडलेलं आहे। देखो पूरे महाराष्ट्र में तो सरकार के माध्यम से भी हजारों एसटी बसेस छूट रही है, साथ साथ में विशेष बात यह है कि हमारे विधानसभा से 15 से भी ज़्यादा बसेस ये छूट रही है और उसमें अल्प दर में छूट रही है, जिसका किराया 1200-1500 रुपया है वो हम 200 रुपया में यहाँ से बसेस छोड़ रहे हैं, ये उसकी विशेषता है। साथ में मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने कल एक मोदी एक्सप्रेस कोंकण वासियों के लिए गणपति भक्तों के लिए कल एक पूरी ट्रेन छोड़ी। आज हमारे केंद्रीय मंत्री नेता नारायण राणे जी के माध्यम से आज एक ट्रेन मोदी एक्सप्रेस नाम से निकली है और जगह जगह से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भांडुप हो और कई इलाके हो पूरा रहे जहां कोंकण वासियों की संख्या ज़्यादा है ऐसे सभी जगह से सरकार के माध्यम से साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अल्प दौर में 200 रुपये में मात्र ये सुविधा हमने उपलब्ध कराई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने कोंकण वासियों के लिए कल से ही जाने वाले लोगों के लिए बस के लिए एसटी के लिए प्राइवेट व्हीकल के लिए सबके लिए टोल माफ करने की घोषणा की है और गणपति बप्पा ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दो बरस के इसके के बाद बहुत बड़े उत्साह में सभी लोग गणपति का उत्साह मना रहे एक उत्सव मना रहे और इसके लिए सभी को बहुत बहुत गणेशोत्सव की शुभेच्छा। गणपति बप्पा।